पृथ्वी पर आकर के गिरने लगते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। कई बार बर्फ के रूप में भी गिर जाते हैं और कई बार जल की बूंदों के रूप में गिरते हैं। ये दोनों ही दोनों वर्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसी से जुड़े हुए इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वर्षा विशेष रूप से क्या हुआ, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा जब जल की बूंदों के रूप में जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें हम लोग वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा के होने का एक मुख्य कारण होता है जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संघनन। याद रखेंगे दोस्तों इस वर्ड को, संघनन। अब ये संघनन क्या है, संघनन होता है जलवाष्प की बूंदों का जल की बूंदों में या बर्फ के रूप में बदल करके पृथ्वी पर आना। ये प्रोसेस जो होता है जिसमें ये जलवाष्प जल की बूंदों में बदलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसी से क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी गर्म होती है, उसी तरह से ये जल भी गर्म होते हैं और वाष्पीकरण द्वारा इनका ऊपर जलवाष्प के रूप में परिवर्तन होता है। ये ऊपर जाकर के बादल के रूप में बन जाते हैं, ये वाष्पीकरण द्वारा ऊपर जाते हैं और बादल के रूप में निर्मित होते हैं। निर्मित होकर के हवाओं द्वारा ये स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करते हैं। स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करते हैं। स्थलीय भागों पर जाकर के ये वर्षा जब नीचे का टेम्परेचर अलग होता है और ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है तो ये क्या होते हैं, संघनित होते हैं। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि संघनन द्वारा वर्षा होती है। तो ये जलवाष्प जब ये बादल के रूप में इकट्ठा होकर के स्थलीय भागों की ओर जाते हैं और यहाँ जाकर के तापमान में अंतर के कारण संघनित होकर के जल की बूंदों के रूप में जब नीचे गिरने लगते हैं तो इसी वर्षा को हम लोग कहते हैं।